हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्रेटरी को कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से कंडीशंस में उसे है ना लेटर लिखना होता है, मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड करना होता है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज टू एंटर इंटू करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। तो कौन कौन सी सिचुएशंस है, सर्कमस्टेंसेस है, कौन कौन से ओकेजन्स है जब लेटर लिखना होता है। तो द फॉलोइंग आर द वेरियस ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स है व्हेन सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है कंपनी का, वो लेटर लिखता है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर को लेटर लिखता है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर। तो ये अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, जब है ना मेंबर्स है ना एप्लीकेशन भरते हैं तो वो मेंबर बनते हैं कंपनी के, उनको जब अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर्स, तो मतलब वो अलॉटमेंट हो गया है, शेयर्स का मतलब वो कंपनी के मेंबर हो गए। तो उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट मनी की डिमांड करने के लिए, जब अगर अलॉटमेंट, ये जो शेयर का पैसा होता है वो अगर है ना इंस्टॉलमेंट में कंपनी ले रही है, तो अलॉटमेंट का पैसा कितना देना है, अलॉटमेंट का मनी कितना ड्यू है, वो भी है ना अलॉटमेंट लेटर में मेंशन किया जाता है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो भी है ना मेंबर्स को उसमें मेंशन किया जाता है। तो उस वक्त है ना अलॉटमेंट लेटर है ना कंपनी है ना सेक्रेटरी को बोलती है लिखने के लिए मेंबर्स को। देन रिग्रेट लेटर। तो ये रिग्रेट लेटर कब होता है, जब है ना कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, ओवर सब्सक्राइब होना मतलब कंपनी ने इश्यू किया 1 लाख शेयर्स और डिमांड आ गई 1,20,000 की। इस वक्त जो कंपनी सप्लाई कर पा रही है वो 1 लाख का कर पा रही है और जो डिमांड है वो ज्यादा आ रही है। तो डिमांड जब ज्यादा आ रही है तो कंपनी 20,000 जो ज्यादा डिमांड आती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए लेकिन डिमांड आ गई 1,20,000 की, तो ऊपर के जो 20,000 जो शेयर्स है, तो जितने भी एप्लीकेशंस है 20,000 शेयर्स के, जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स के, तो उसके लिए लेटर लिखना पड़ेगा, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि भाई कंपनी खेद जताएगी कि भाई हम है ना आपको नहीं दे सकते, ये शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया है, हमारे पास ना उतने शेयर्स है ही नहीं। देन इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जब कंपनी है ना शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है तो है ना सेक्रेटरी उनका शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करता है, उसका वो लेटर लिखता है। देन इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जब है ना मेंबर्स को बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं, तब जो सेक्रेटरी होता है वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको इंटीमेट करता है, उनको बताता है वाया राइटिंग लेटर, लेटर लिख के, लेटर के थ्रू उन्हें बताता है कि भाई आपको कितने बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, 1:1 है कि 1:2 है, क्या है, तो वो पूरी डिटेल उसकी लेटर में होती है, लेटर में होती है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू, राइट इशू है ना मेंबर्स को मिलता है कंपनी के, अगर कंपनी नया शेयर लेकर आती है तो वो है ना मेंबर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको राइट इशू मतलब उनको इशू कर, उनको हक देती है कि भाई आपको अगर है ना लेना है तो आप पहले ले सकते हो, ये शेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू के टाइम समय पे उन्हें करस्पॉन्ड किया जाता है मेंबर्स को। देन लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड पे करती है तो उस वक्त लेटर लिखती है कंपनी, मतलब सेक्रेटरी लिखता है ये सब लेटर। देन डिविडेंड मैंडेट किया जाता है तब लेटर लिखते हैं। देन अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब है ना शेयर्स ट्रांसफर का अप्रूवल, मतलब मान लीजिए किसी बंदे को, किसी मेंबर को अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो उसे है ना इंटीमेट करना होता है कंपनी को, अपनी उनको है ना एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उनको लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कंपनी को कि वो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका अप्रूवल, उसकी रजामंदी मिली कि नहीं मिली, तो उसका लेटर है ना अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का लेटर। देन रेफ्यूजल, अभी रजामंदी मिलना मतलब अप्रूवल दे देना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वो अप्रूव कर देते कि ठीक है भाई आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है हम ट्रांसफर कर देते हैं आपके शेयर्स। एंड रेफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी मना कर, कंपनी चाहिए तो मना भी कर सकती है, रेफ्यूज कर सकती है कि भाई आपके जो शेयर्स है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो और दूसरे बंदे के नाम पे, तो वो रेफ्यूजल का लेटर लिखा जाता है, तो उसे बोला जाता है रेफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देन नोटिस एंड एजेंडा ऑफ
जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का जो नोटिस भेजा जाता है और मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है, मतलब एजेंडा क्या है नोटिस के अंदर, भाई कौन से तारीख को क्या है मीटिंग और एजेंडा, मतलब मीटिंग में कौन से पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, तो उसके बारे में दिया जाता है। तो नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग, देन नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अगर है ना शेयर सर्टिफिकेट वो गुम हो गए हैं तो उसकी नोटिस भेजी जाती है, नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देन रिप्लाई टू सर्टेन क्यूरीज, अगर कोई मेंबर की कोई क्यूरी है, उन्हें कुछ डाउट है, उन्हें कुछ पूछना है, तो उस क्यूरी का रिप्लाई किया जाता है, मेंबर्स की क्यूरी का वाया राइटिंग लेटर, करस्पॉन्डेंस के थ्रू सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करता है। देन लेटर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई बंदा जो है वो इंसेंट हो जाता है मेंबर, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर, उसका जो शेयर्स है वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोला जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डेथ के बाद में जब शेयर्स किसी के नाम पे इशू हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, जब नाम चेंज हो जाता है, शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना होता है तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पर्टिकुलर बंदे का जिसके शेयर्स ट्रांसमिट होने वाले हैं, तो उसके लिए रिलेटेड लेटर है उसका जो करस्पॉन्ड करता है वो सेक्रेटरी ही करता है। नाउ द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस, कुछ है ना सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है अंडर विच द सेक्रेटरी एंटर्स इनटू करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो पहला लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के टाइम का लेटर। देन लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड वारंट के थ्रू पेमेंट जब करती है कंपनी तो वो लेटर के थ्रू ही इन्हें इंटीमेट किया जाता है मेंबर्स को। देन लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इश्यू करने के समय पर भी लेटर लिखा जाता है, मेंबर्स को इंटीमेट किया जाता है। देन नेक्स्ट रिप्लाई लेटर टू द क्यूरी ऑफ मेंबर्स ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड, अगर है ना डिविडेंड कम दे रही है कंपनी, किसी कारण से डिविडेंड बहुत कम दे रही है, तो उन्हें ना अगर मेंबर है ना लेटर लिखता है कि भाई क्यों है ना हमें लो रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वो है ना उसकी क्यूरी का रिप्लाई करते हुए लेटर लिखा जाता है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल स्पेसिमेन लेटर्स दिए हुए हैं कंपनी के थ्रू, तो यह ये तो वैसे भी ऑफिशियल लेटर्स है, देखो इसमें कोई काट छाट नहीं होती है, ऑफिशियल लेटर में जितना मैटर आना चाहिए उतना मैटर तो हमें लिखना पड़ेगा, हम कोई है ना फॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे हैं कि भाई है ना ये शब्द आप हटा दो, जो वर्ड टू वर्ड जितनी इंटीमेशन देनी है, जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी इंफॉर्मेशन तो हमको देनी ही होगी, तो उसमें कोई काट छाट नहीं हो सकती है, तो आपको जैसे इनका पैटर्न होता है, जैसे हमें ना लैंग्वेज पेपर्स में जैसे हिंदी का है, मराठी का है, इंग्लिश का है, तो लैंग्वेज पेपर में हम कैसे लेटर राइटिंग लिखते हैं, तो इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना ही होता है, राइट, तो इसमें कोई काट छांट वाली बात नहीं होती है। हाँ आपको आइडिया दे सकती हूँ कि आप एक लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, मान लीजिए लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का लेटर आप लिखोगे तो उसमें आपको कौन से की पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, आपको कौन कितने नंबर ऑफ शेयर्स, क्या इसकी फीलिंग होती है, तो ये सब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है ऑफ अ टाइटल टू द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है पर्टिकुलर बंदे को अंडर द कॉमन सील, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय एटलीस्ट टू डायरेक्टर साइन करते हैं, उसको है ना सेक्रेटरी भी साइन करता है, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसकी भी काउंटर साइन होती है उसके ऊपर। सो एवरी कंपनी मस्ट इश्यू, हर एक कंपनी को इश्यू करना मतलब डिस्पैच करना शेयर सर्टिफिकेट है ना अलॉट करना कंपल्सरी होता है, और कब टू द अलॉटी विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एक बार है ना शेयर्स अलॉट कर दिए तो उसके 2 महीने के अंदर उन्हें है ना शेयर सर्टिफिकेट भी इश्यू करना कंपल्सरी होता है। नाउ एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटी, अगर है ना अलॉटी की रिक्वेस्ट के हिसाब से द कंपनी सेंड्स अ लेटर, कंपनी है ना लेटर भेजती है फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने का लेटर भेजती है, तो यहाँ पे द लेटर कंटेन्स, तो लेटर में क्या इंफॉर्मेशन होगी, द लेटर कंटेन्स द
लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू के बारे में डिटेल होगी, सच एज उसका फोलियो नंबर होगा, देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, कितना शेयर सर्टिफिकेट नंबर कितना है, देन डिस्टिंक्टिव नंबर, जैसे ये डिस्टिंक्टिव नंबर कौन सा होता है, आपका क्लास में आपका रोल नंबर, आप ये मान लीजिए आपके बोर्ड की जो सीट नंबर होती है एग्जामिनेशन सीट नंबर, वो सीट नंबर किसी के दूसरे के सीट नंबर से मैच होगी क्या, नहीं होगी, डिस्टिंक्टिव होगी, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर होंगे, देन नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, देन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा, तो ये सब है ना शेयर सर्टिफिकेट का जो लेटर लिखते हैं उसमें भी ये कंटेंट्स है ना, ये सारी की सारी डिटेल है ना वो हमको लिखनी होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेबीज, सेबीज मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्कुलर के हिसाब से, कंपनीज आर टू सेंड द शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट है ना रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजनी होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है शेयर सर्टिफिकेट। कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड आपको ब्लॉक लेटर में लिख लेना है, कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड आप कोई भी नाम दे सकते हो, फिर उसी के हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस भी डालना होता है, देन यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, देन पुणे, यहाँ पे जो भी मतलब आप एड्रेस दे रहे हो आप अपना एड्रेस भी दे सकते हो, लेकिन बेटर आप है ना एक एड्रेस प्रैक्टिस कर लो फिर उसी को आप यूज कर सकते हो, CIN नंबर एक प्रैक्टिस कर लो उसी को आप यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये CIN नंबर आपको लिखना है, याद रखना है, देन फोन नंबर आपको लिखना है, कंपनी का फोन नंबर, देन फैक्स नंबर, देन यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस, देन ईमेल आईडी कंपनी का, एंड डेट आपको डेट जो भी डेट का आप जिस डेट को लेटर लिख रहे हो तो उस डेट का आप उस डेट को मेंशन यहाँ पे कर दोगे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कोई भी मतलब बंदे का नाम लिखो, आप ABC लिख दो, मिस्टर ABC, देन अभिमान डिपार्टमेंट, देन 30 LB पुणे, देन आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंपलसरी, आपको पता है फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इंग्लिश में भी आपने देखा है कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट को लेकर लेटर लिखने बोला है, आपको लेटर लिखने बोला है तो सब्जेक्ट इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद में आप याद रखिए ईमेल आईडी एंड वेबसाइट आपको जरूर डालना है, फोन नंबर फैक्स नंबर ये सब कंपनीज के होते ही है तो ये सब आपको डिटेल्स जरूर मेंशन करने हैं। देन यहाँ पे डियर सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे हमको फिर लिखना होगा कि जैसे सेक्रेटरी क्या लिखेगा, डियर सर देन दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दैट एज पर योर रिक्वेस्ट, आपने जो रिक्वेस्ट की थी एप्लीकेशन नंबर, ये रिक्वेस्ट में कौन सी एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर 50 रिक्वेस्ट वाली आई थी, आई एम ऑलरेडी ऑथराइज टू इशू यू अ शेयर सर्टिफिकेट, तो ऑलरेडी मतलब इन्होंने एप्लीकेशन 50 नंबर की एप्लीकेशन दी थी जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी मतलब कितने शेयर्स की डिमांड की थी उतने उनको अगर अलॉट हुए हैं तो उतने अलॉट हुए तो फिर शेयर सर्टिफिकेट भी उतने की मिलेगी, तो यहाँ पर एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 आई एम ऑलरेडी ऑथराइज टू इशू यू अ शेयर सर्टिफिकेट, द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू, सेड मतलब यहाँ पे द सेड मतलब जो मेंशन है यहाँ पे, देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 100, तो द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर टू यू विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएंगी फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर, ये लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मिलेगी टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस, जो एड्रेस है ना एप्लीकेशन में फिल किया होता है, एड्रेस दिया होता है वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे आएगा एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि वही फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड होता है, तो जो रजिस्टर्ड एड्रेस हम देते हैं पोस्ट एड्रेस जो देते हैं वही एड्रेस पे फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड होता है, तो उसी के हिसाब से फिर आगे के जो भी करस्पॉन्डेंस होते हैं मतलब जो भी है ना कम्युनिकेशन होता है लेटर के थ्रू तो कंपनी है ना वही एड्रेस को यूज करती है। नाउ यहाँ पे फिर हमको डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कितने शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो रहे तो उसका फोलियो नंबर होगा, तो कोई भी फोलियो नंबर यहाँ पे लिखा, देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर्स होंगे, शेयर सर्टिफिकेट के नंबर्स, देन डिस्टिंक्टिव नंबर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर्स में अब यहाँ पे फ्रॉम मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाला एक शेयर एक बंदे ने एक ही खरीदा है, वो चीज तो नहीं हो सकती, यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 दिखा रहे तो 100 या तो आप 301 से लेकर 400 दिखाओगे या 201 से लेकर 300 दिखाओगे, या फिर आप अगर है ना 300 यहाँ पे 351 लिख रहे हो तो फिर आपका जो
इसका जो नंबर जाएगा वो फिर कहाँ पे जाएगा, वो 450 पे जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आपको है ना डिस्टिंक्टिव नंबर्स है ना वो दिखाने होंगे कि शेयर कौन सा नंबर से लेकर कौन से नंबर तक का शेयर है ना इसको बंदे को मिला है करके। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फिर 100, देन इसके बाद में इट शैल ऑलवेज बी आ एंडेवर, मतलब हमारा हम हमेशा ये हार्ड वर्क करते रहेंगे, हम हमेशा हमारा एफर्ट्स यही रहेगा कि हम आपको बेस्ट सर्विसेज, एफर्ट्स हमारा बेस्ट एफर्ट्स ये रहेगा कि हम आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इट शैल ऑलवेज बी आ एंडेवर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम एंड देन थैंकिंग यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है एंड फिर यहाँ पर योर्स फेथफुली आप राइट हैंड साइड में डाउन में योर्स फेथफुली फॉर कम्फर्ट मोटर्स लिमिटेड एंड देन साइन और ये कंपनी के सेक्रेटरी का नाम लिख देना है आपको, मिस्टर व्हाटएवर एबीसी एक्सवाईजेड आपको इस तरीके से लिख देना है। तो आपको ये जो है ना लेटर का प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर आपने मान लीजिए ये बाय हार्ट कर लिया, आपने एक तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ली कि किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, एक बार इसमें लिख लिया तो आपको एग्जाम में पूछने दो। आपको एक एड्रेस आपका फिक्स कर लो, CIN नंबर फिक्स कर लो आपके माइंड में और फिर उसी को तो आपको एग्जाम में लिखना है। तो इसमें कोई नया नहीं है या कुछ स्पेशल, मतलब इसमें कोई कांट छांट नहीं कर सकते हम। हमको यही ये क्योंकि ऑफिशियल लेटर है और यही पैटर्न होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, इसी पैटर्न में लेटर जाता है। तो इसमें हम कोई कांट छांट नहीं कर सकते, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है हमने, हेलो हाउ आर यू एंड पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, नथिंग इज आस्क्ड, कुछ भी पूछा नहीं गया। ये फॉर्मल लेटर है, ये कट टू कट जितनी इन्फॉर्मेशन जो बात करनी थी वही बात की गई है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू, क्योंकि इसको अथॉरिटी मिलती है सेक्रेटरी को, तो वही लेटर लिख रहा है। इसीलिए देखिए ना यहाँ पे सेक्रेटरी का ही साइन है, साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, वही दिखाना है आपको। इसीलिए ये लिख रहा है कि आई एम हियर बाय ऑथराइज्ड टू इश्यू यू अ शेयर सर्टिफिकेट एंड द सेड नंबर शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू, मतलब जो सर्टिफिकेट में नंबर आएगा वो 301 से लेके 400 डिस्टिंक्टिव नंबर के सर्टिफिकेट होगी यू विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एड्रेस कहाँ से आएगा, जो है ना मेंबर बंदा है उसने एप्लीकेशन में फिल किया होगा वही रजिस्टर मेंबर का एड्रेस आएगा राइट। तो उसी एड्रेस पे है ना कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि लिखा ही जाता है बाकायदा लिखा जाता है कि भाई आपको कौन से एड्रेस पे आपसे करस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये तो हर एक फॉर्म में यही चीज होती है। तो यहाँ पे हम यही बताया गया कि भाई आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आ जाएगा आपका शेयर सर्टिफिकेट और डिटेल्स भेजेंगे, डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आ रहा है एज फॉलोस, तो फोलियो नंबर पहली डिटेल एंड सेकंड शेयर सर्टिफिकेट नंबर एंड देन डिस्ट्रिक्ट नंबर कौन से हैं आपके शेयर्स के, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, देन इट शैल ऑलवेज बी आ एंडेवर टू प्रोवाइड। ये तो एक लास्ट स्टेटमेंट लिखा ही जाता है कि हम है ना हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको हमेशा बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, जब तब आपको जरूरत हो सर्विसेज की तब हम देते रहे एंड थैंकिंग यू योर्स फेथफुली देन फ्रॉम ये तो लिखना ही है कि फॉर लिखना है फॉर, अगर ABC लिमिटेड आपने लिखा है तो ABC लिमिटेड लिखो, आपने अगर XYZ लिमिटेड लिखा तो XYZ लिमिटेड साइन ABC कंपनी सेक्रेटरी। तो इस तरीके से आपको लिखना ही होगा, इसका कोई है ना इसमें कोई कांट छाट नहीं कर सकते हम, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, तो लेटर तो आपको लिखना आना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेटर की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।